हेलो व्यूअर्स, आज बात करेंगे ऐसे ही 5 रुपये के बारे में, जो कि ब्रॉन्ज मेटल का 2011 से लेके 2019 तक कॉइन जारी हुआ है। ये कॉइन 6 ग्राम का कॉइन है, 23 mm साइज, टेलकुलर सेफ है। इस कॉइन के बारे में बात करेंगे, कौन सा कॉइन का कितना प्राइस है। आपको अच्छे से ये वीडियो देखना चाहिए, तो चलिए शुरू करते हैं। जो कि 2011 का मुंबई, कलकत्ता, हैदराबाद, नोएडा, 4 मिनट में ढाले गए हैं। 1 मिनट का ऐसा कॉइन है कि रेयर कैटेगरी में आते हैं, स्क्यार कॉइन की कैटेगरी में आते हैं, जो कि 25 से लेके 50 रुपये प्राइस है 2011 का। ऐसे ही अगर नोएडा मिंट का है तो आपको मिलेगा 25 रुपये से लेके 50 रुपये। ऐसे कॉइन कलेक्ट करो, आगे जाके इसका प्राइस बढ़ेगा। फिर आते हैं 2012 में। 2012 का जो कॉइन ढाले गए हैं वो 4 मिनट में ढाले गए हैं, बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद, नोएडा। ऐसे नोएडा मिंट का जो प्राइस है, स्कर कॉइन की कैटेगरी में आते हैं। 10 मिनट का कमांड कॉइन की कैटेगरी में आते हैं, जो कि अधिकतर प्राइस 10 रुपये है। और नोएडा मिंट का 25 से लेके 50 रुपये प्राइस है। फिर आती है 2013 में। 2013 का जो है नोएडा मिंट का, जो कि प्राइस है दोस्तों, नोएडा मिंट का 25 से लेके 50 रुपये। स्ट्राफाइन यूएनसी में 50 रुपये, स्ट्राफाइन में आपको 25 रुपये। नोएडा मिंट का 10 मिनट का कॉइन कॉमन कॉइन की कैटेगरी में आते हैं 10 मिनट का, क्योंकि हैदराबाद, कलकत्ता, बॉम्बे, नोएडा 4 मिनट में डाले गए हैं कॉइन। नोएडा मिंट की प्राइस ज़्यादा है। फिर आते हैं 2014 में। 2014 साल में जो कॉइन डाले गए हैं यार में, बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद, नोएडा 4 मिनट में डाले गए हैं, क्योंकि नोएडा मिंट का कॉइन ऐसा है। नोएडा मिंट का प्राइस दोस्तों ज़्यादा है, 50 रुपये से लेके 100 रुपये स्कर कॉइन की कैटेगरी में आते हैं नोएडा मिंट का 2014। फिर आते हैं 2015 में, क्योंकि 15 का प्राइस कॉमन है, कॉमन कॉइन की कैटेगरी में आते हैं, जो कि बम्बई, हैदराबाद, कोलकाता, नोएडा 4 मिनट में डाले गए हैं। फिर आते हैं 2016 में। 2016 बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद, नोएडा 4 मिनट में डाले गए हैं, चले गए कॉइन कॉमन के कॉइन की कैटेगरी में आते हैं। तो फिर आते हैं 2017 में। 2017 का कॉइन कॉमन कॉइन की कैटेगरी में आते हैं, जो कि अधिकतर प्राइस 10 रुपये होता है कॉमन कॉइन का, 5 रुपये का 10 रुपये। फिर आते हैं 2018 में। 2018 का कॉमन कॉइन कैटेगरी में आते हैं बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद, नोएडा 4 मिनट में डाले गए हैं। 4 मिनट का कॉइन कॉमन कॉइन की कैटेगरी में आते हैं, जो कि 2019 में कॉइन डाले गए हैं बॉम्बे, हैदराबाद, कलकत्ता और नोएडा। 4 मिनट का कॉइन कॉमन कॉइन की कैटेगरी में आते हैं, जो कि प्राइस अधिकतर 10 रुपये। फिर आते हैं ऐसे ही
₹10 के बारे में बात करेंगे, सो कि 15 लाइन वैरायटी देखने को मिलते हैं, आपको कौन सा कॉइन का कितना प्राइस, इसके बारे में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ये कॉइन जारी हुआ है 2008 से लेके 2010 तक। कॉइन जारी हुआ है 2008 से लेके 2010 तक क्योंकि BI मेटल है, निकल ब्रोंज का। ये निकल मेडल का साइड में जो है वो ब्रोंज का है। ये निकल और ब्रोंज दोनों मेटल से कॉइन मेंटिंग किया है। इसका वेट है 7.71 ग्राम का, 7.71 ग्राम। फिर इसका साइज 27 mm, इसका साइज 27 mm होता है। फिर इसका सेप देख सकते हो, सेप ये कैलकुलेलर प्लेन इज सिक्टी को मिलते प्लेन। फिर इसको इसका प्राइस जानेंगे क्योंकि 2008 में जो कॉइन ढाले गए हैं, ये 2008 का, ये नोएडा मिंट में ढाले गए हैं, अदर्स दूसरे मिंट में नहीं ढाले गए हैं, नोएडा मिंट में ही ढाले गए हैं। इसका प्राइस दोस्तों ₹15 से लेके ₹20, मतलब 10-15 रुपये से लेके ₹20 प्राइस है। स्ट्राफ एंड UNC का प्राइस। फिर आते हैं 2009 में। 2009 का जो कॉइन है वो भी नोएडा मिंट में ही ढाले गए हैं, अदर्स दूसरे मिंट में नहीं ढाले गए हैं। नोएडा मिंट का प्राइस दोस्तों ₹15 से लेके ₹20 प्राइस है। फिर आते हैं 2010 में। 2010 में 2 मिनट में डाले गए हैं बॉम्बे नोएडा। बॉम्बे मिंट का दोस्तों स्कर कॉइन की कैटेगरी में आते हैं, जो कि प्राइस है ₹2500 से लेके ₹100। फिर नोएडा मिनिका वो ₹15 से लेके ₹20 प्राइस है कॉमन कॉइन के कैटेगरी में, जो कि बॉम्बे मिंट का स्कर कॉइन की कैटेगरी में आते हैं। ये रहा दोस्तों बॉम्बे मिंट का कॉइन स्कर कॉइन की कैटेगरी में आते हैं आज की डेट में 2010 का। फिर बात करते हैं वैष्णो माता वैष्णो देवी कॉइन के बारे में, जो कि ₹10 में मार्क सिक्के की तरफ से दिया गया है। माता वैष्णो देवी का पोर्ट्रेट फोटो देख सकते हो। ये कोई बोलता है ₹00 कीमत है, उसकी चक्कर में मत पड़िए दोस्तों, इसका प्राइस कॉमन है। आगे भी वीडियो में बता चुका हूँ कि ये कॉमन कॉइन का कैटेगरी में आते हैं, जो कि ₹10 से लेके ₹15 प्राइस है। अगर आपको बोले कि हम ऑल कॉइन बायर से बोल रहे हैं, हम सिक्के खरीदते हैं, माता विष्णु देवी सिक्के खरीदते हैं, आपको रजिस्ट्रेशन फीस के लिए ₹2000 पे करना पड़ेगा, फिर GST के लिए ₹2000 पे करना पड़ेगा, इससे पे करके करते थक जाओगे। अगर किसी का कॉइन बिका हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर किसी को मिंट की बारे में पता नहीं है, हमारे आई बटन पे देख के क्लिक करके देख सकते हो हमारे वीडियो, हम उसमें पूरे डिटेल से बताया
कौन सा ईयर का, कौन सा मेंटिंग, कौन सा कंट्री का। ये 15 लाइनें वैरायटी का कॉइन, कलकत्ता मिंट का, मिंट की तरफ से भी देखने को मिलते हैं क्योंकि मिंट मार्क नहीं होते हैं। कलकत्ता मिंट की तरफ से भी देखने को मिलते हैं, इसमें देख सकते हो कोई मिंट मार्क नहीं है। ये मिंट मार्क दिया गया है बॉम्बे मिंट का। फिर ये देखते हैं, ये भी बॉम्बे मिंट का, ये 2009 का। ये भी देख सकते हो कोई मिंट मार्क नहीं है। फिर अगले वीडियो में दिखाया जाएगा दोस्तों कैसे राइस पुलिंग, राइस खींचता है, पैसे ऐसे खींचेगा, पैसे की तरफ जाएगा ये चावल, जो कि इसको कैसे बनाता है, कैसे दिखाते हैं, कैसे करते हैं, इसके बारे में एक वीडियो बनाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, दिखाएंगे, बनाएंगे ऐसे।